आदाब, मैं हूँ शफीउल्ला। आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार चैनल। मुतासिरा लड़की के मामू ने तेलंगाना स्टार चैनल से बात करते हुए लड़की की मौजूदा हालात की सारी तफसीलात बताई। लड़की के मामू ने सारी तफसीलात बताते हुए लड़की के मरने की अफवाह को गलत बताया और कहा लड़की की सेहत बिल्कुल अच्छी है और कहा अजान स्कूल में इससे पहले भी ऐसे वाक़े पेश आ चुके हैं, मगर स्कूल इंतज़ामिया ने इस वाक़ों पर पर्दा डाल रखा है। रिपोर्टर सैयद नज़ीर के साथ मैं शफीउल्ला, तेलंगाना स्टार चैनल। मेरा नाम फजल हुसैन है, मैं बीजेपी तेलंगाना स्टेट का ऑफिस सेक्रेटरी दबा के हूँ। मैं बीजेपी ऑफिस सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज जनगांव। ये जो बच्ची है, मेरी भांजी है, ये जो भी हुआ उसके साथ गलत है। जो अदान स्कूल जो है, ऑलरेडी इससे पहले दो केस हो चुके हैं, वो जो दबा दिए हुए, हम इसको दबाने की कोशिश नहीं करें, कल भी दबाने की कोशिश करें, हम उसको दबने नहीं दिए उसको। ये हुआ 12:30 के अंदर दिन में सुबह मॉर्निंग हुआ। तो ये चीज़ इन लोग ऑलरेडी वहाँ का स्टाफ जो है बुला के उसको बराबर डॉक्टर को बुलाए, बुलाने के बाद पलट के उसको कपड़े उतारे डॉक्टर के सामने। डॉक्टर कपड़े उतारने के बाद उसके जो ड्रायर है, ड्रायर के ऊपर पूरे डॉट्स हैं, वो डॉट्स आने के बावजूद भी उन्हें नहीं वो करा, नहीं करने की उस पर उसको समझाए मनाए नहीं सुने, उसके बाद पुलिस कस्टडी में लेने के बाद पब्लिक को अपन नहीं रोक सकते, इस वजह से नहीं रोक सके कि लेडीज़ भी हमारी जो भी करी लेडीज़ जैसे 6 बजे के बाद गड़बड़ कर। तीसरी चीज़, अदानी स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो यूसुफ साहब जो है, उनके ऑलरेडी चांदनार PS में केसेस भी हैं। तीसरी चीज़, अदान स्कूल में इससे पहले लगा दबाने की कोशिश करे, वो भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह उनके फादर जो भी उनके गाइडेंस है लगा भी रात में बताए। और दूसरी चीज़, बच्ची अच्छे कंडीशन में, अल्लाह का फजल है, शुक्र है मेरे परवरदिगार का। नहीं, ये ऐसा हमने सारे की ये रूमर जो है जी। ये रूमर गलत है। मैं खुद बच्ची का मामू बात करो। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, कल से हम किसी को क्लोज नहीं करें। अच्छा, पहली बात जी, ना तो हम बच्ची की फ़ोटो किसी को बताएं। जी जी जी। तीसरी चीज़, पलट के जो बच्ची के साथ हुआ उसको करने वाले, हम तो लास्ट तक पूरी कोशिश करेंगे। आज जो रूमर जो उठा रहे हैं सुबह से, मैं जबकि ये DCP कंसर्ट DCP साहब से भी बात करा तो उनका भी यही है कि गलत रूमर्स आ रहे हैं। गलत रूमर्स से क्या आ रहा है, वो तो पब्लिक उसमें उछल जाए। जी हाँ, तो ये गलत रूमर्स है जो भी आ रही, ये गलत है सरासरी। ये रूमर देने से कोई बच्ची की सेहत वगैरह सब अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, बच्ची बात कर रही, खाना खाए, भी आधा घंटा पहले खाना खाई, दूध पी, उसका मेडिसिन जो चल रहा लोग पूरी कॉपरेट करें, डॉक्टर भी कॉपरेट करें, कोई ट्रीटमेंट भी कोई कोताही नहीं, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी सुप्रेंट से बात हुई है, आरोमा साहब भी हमारे को कॉपरेट करें उसमें, उन्होंने बोले कोई आपको मेडिसिन की अब तक कोई नहीं होगा। ऑलरेडी सामने DCP साहब के सामने बात हो चुकी है। कोई ये लोग क्या बोले, डॉक्टर के रेप हुआ बच्ची के साथ? हाँ, वो तो है, अभी फॉरेंसिक को भेजा भी दिया वो रिपोर्ट, सुबह 12 बजे भेजा भी दिया सुबह में। वो फॉरेंसिक से आने के बाद हम उसकी कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें, हमको रिपोर्ट आना बोल के हम DCP से रिक्वेस्ट करें, DCP साहब पे हमारा मुतमिन करें कि हम इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएंगे। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि बच्ची के साथ हुआ है, रेप हुआ बोल के? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे, अभी लोग भी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोलते, तो खुदा नहीं नहीं टेस्ट करे बोले? नहीं नहीं, टेस्ट नहीं करे, जो भी था बच्ची को, जितना भी जो भी हुआ, यानी ज्यादती हुई बच्ची के, ज्यादती हुई, जितना भी जो उसका जो ट्रीटमेंट करना था दे के उसके एक बॉक्स में डाल के उसको सील करके। हमारे तेलंगाना स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राब्ता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।